नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालौन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रीनू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी वीर वीरम देन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालौन। पिछली दो कक्षाओं से हम उच्चावच निरूपण कर रहे हैं समोच्च रेखीय मानचित्र के द्वारा। आज की कक्षा में हम शेष बचे हुए में जो कोष में स्थल रूप हैं उनका समोच्च रेखीय मानचित्र के द्वारा निरूपण करेंगे। तो नेक्स्ट स्थल रूप है अपने यू रूप घाटी यू शेप वेली। इनका निर्माण हिम नद के द्वारा होता है और ये दिखने में यू अक्षर के समान होती हैं, इसीलिए इन्हें यू रूप घाटी कहा जाता है। आप सब जानते हैं बर्फीले प्रदेशों में जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है वहाँ जो बर्फ है वो हिमनद के रूप में अपना स्थान परिवर्तित करती है। काफी धीमी गति से ये चीज होती है लेकिन उसके द्वारा एक घाटी का निर्माण हो जाता है जिसे हम आज इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये यू रूप घाटी है जिसका निर्माण हिम नदी के द्वारा हुआ है। इस घाटी के जो पाशोर होते हैं दोनों ये खड़े होते हैं, तली चौड़ी होती है और सपाट होती है, समतल होती है। इसको दिखाने के लिए जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो उल्टे यू के आकार में खींची जाती हैं। इसी स्थल रूप के आसपास हमें इसी स्थल रूप के आसपास हमें एक दूसरा स्थल रूप भी देखने को मिलता है। ये है हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। तो जो मुख्य हिमनद होता है उसकी घाटी के आसपास ही जो सहायक हिमनद होता है उससे बर्फ आकर के गिरती है, लेकिन जो मुख्य हिमनद होता है उसमें बर्फ की मात्रा ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ कटाव ज़्यादा करके गहरी घाटी बना लेता है और जो सहायक हिमनद होता है उसमें बर्फ की मात्रा कम होती है तो वो नीचे की तरफ कटाव कम कर पाती है। और इस तरीके की जो घाटी है वो मुख्य जो घाटी है उसमें लटकती हुई सी प्रतीत होती है, इसीलिए इसे हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका समोच्च रेखीय मानचित्र बनाएंगे। तो ये है यू शेप वैली और हैंगिंग वैली का समोच्च रेखीय मानचित्र। कंटूर लाइन्स हम टोपोशीट की सहायता से अपनी शीट पे ट्रेस कर लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो कंटूर लाइन्स हैं ये उल्टे यू की शेप में है और ये जो हैंगिंग वैली है इसकी डायरेक्शन अलग है लेकिन ये भी उल्टे यू की शेप में ही है। तो इनके बीच को बीच से कट करते हुए ए बी सेक्शन लाइन खींच देते हैं और फिर सेम वही प्रोसेस जो अभी तक अपन बनाते आए हैं दोहराते हुए हम अपना जो समोच्च रेखीय मानचित्र है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें हमें दोनों चीजें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं, यू शेप वैली और इसमें इसी में हैंगिंग वैली भी हम प्राप्त कर लेते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मापनी को तोड़ा गया है क्योंकि जो नीचे वाला 1 सेंटीमीटर है वो 5000 मीटर को ड्रॉ कर रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे मापनी को तोड़ देते हैं। यहाँ पे अपन स्केल लिखेंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे। तो ये थे अपने समोच्च रेखी मानचित्र में जो स्थल रूप हमें अपनी फाइल में करने हैं वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अंतर्दृश्यता और डेड लैंड या मृत भूमि स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अंतर्दृश्यता या परस्पर दृश्यता से हमारा अभिप्राय ये है कि कोई भी दो बिंदु वो परस्पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी भी मानचित्र में दो बिंदु या दो स्थान धरातल पर एक दूसरे से दिखलाई देते हैं या नहीं देते हैं, उसके आधार पर हम अंतर्दृश्यता का निर्धारण करते हैं। यदि दो बिंदु या दो स्थान, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति इसकी पोजीशन ये है, स्थिति ये है, और ये इस स्थान पे खड़ी इस गाड़ी को देख पा रहा है, ये जो दो स्थान हैं ये परस्पर अंतर्दृश्य हैं, इनकी अंतर्दृश्यता है। लेकिन इसी चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये जो दूसरी गाड़ी इस स्थान पे खड़ी है ये इस व्यक्ति को विजिबल या दृश्य नहीं है। ना तो ये व्यक्ति इस गाड़ी को देख पाता है और ना इस व्यक्ति में बैठा इस गाड़ी में बैठा व्यक्ति इस व्यक्ति को देख पा रहा है। तो ये जो दो स्थान या बिंदु हैं ये परस्पर अदृश्यता है, परस्पर अदृश्य हैं, इनमें अंतर्दृश्यता नहीं है। ये जो स्थल है ये अंतर्दृश्य इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये जो स्थल भूभाग है ये ऊंचा उठा हुआ है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो ऐसा स्थल होता है जिसकी अंतर्दृश्यता नहीं होती, उसे अदृश्य भूमि या मृतक भूमि कहा जाता है। ये यहाँ पे ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। इसके अलावा भी कोई रीजन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमें बिंदु विजिबल नहीं हो, दृश्य नहीं हो। यहाँ कोई पेड़ हो सकता है, कोई इमारत बनी हुई हो सकती है, लेकिन जब हम भूगोल में अंतर्दृश्यता का अध्ययन करते हैं तब हम पेड़ को, इमारत को, इनकी गणना नहीं करते हैं। हम किसी ऊंचे उठे हुए स्थल भाग को ही इसमें मेंशन करेंगे। अगर ऊंचे उठे हुए स्थल भाग की वजह से हमें अदृश्य भूमि या डेड लैंड प्राप्त हो रही है तो उसकी गणना हम करेंगे। अगर किसी वृक्ष या इमारत की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो हम डेड लैंड में काउंट नहीं करते, वो ना ही वो हम ये कहते हैं कि वो परस्पर दृश्य नहीं है। इसी चीज को थोड़ा और आगे समझते हैं। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसके लिए हम दृश्य भूमि और अदृश्य भूमि वो दोनों ही चीजें देखेंगे। इस व्यक्ति के लिए ये जो एरिया है वो सारा का सारा विजिबल है। इन इस विजिबल भाग में जितने भी बिंदु होंगे वो इस बिंदु के साथ अंतर्दृश्यता रखते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है जिसे हम डेड ग्राउंड के द्वारा दर्शा रहे हैं, इस भूभाग पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो इस व्यक्ति के लिए अदृश्य होंगे और इस इतने इतने भूभाग को हम डेड ग्राउंड या मृतक भूमि कहेंगे, अदृश्य भूमि कह सकते हैं। फिर इस जो ऊंचा उठा हुआ स्थल भूभाग है इसका ये वाला जो पार्ट है वो फिर विजिबल है, इसके लिए दृश्य है, और ये जो भूभाग है वो फिर से डेड ग्राउंड में काउंट हो जाता है। हमें यहाँ पे ये जो मृतक भूमि प्राप्त हो रही है ये किस वजह से प्राप्त हो रही है, इस अवरोधक की वजह से। ये उठा हुआ ऊंचा उठा हुआ स्थल भूभाग है, इसकी वजह से
ये जो इसके पीछे का भूभाग है वो दृश्य नहीं है और मृतभूमि। तो ये था अपना अंतर्दृश्यता और मृतक भूमि का छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसे हम मृतक भूमि कहते हैं, परस्पर अंतर्दृश्यता क्या है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आप ये सब चीजें अपनी फाइल में नोट कर लीजिए ताकि एक साथ आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं आए। कोई क्वेरी हो तो उस पे अपन चर्चा करते रहेंगे। तो ये आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। आगे की क्लासेज में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।